दोस्तों, अमेरिका के लॉस एंजलिस में एक ऐसी अजीबोगरीब घटना घटी जिसके बारे में आपने कभी सुना नहीं होगा। यहां अचानक से हजारों लीटर पेट्रोल की बारिश होने लगी, जिसकी वजह से हर तरफ अफरा तफरी मच गई। इस मामले की जानकारी मिलते ही वहां पर दमकल की गाड़ियां और पुलिस फोर्स पहुंच गई, लेकिन फिर जो पता चला उसे जानकर सब लोग हैरान हो गए। दरअसल यह कोई तेल नहीं बल्कि गैसोलीन था, जो कि हवाई जहाज के ईंधन के रूप में यूज किया जाता है, जो डेल्टा एयरवेज के विमान द्वारा गिराया गया था। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर विमान ने अपना फ्यूल क्यों फेंका? दरअसल लॉस एंजलिस से चीन के शंघाई शहर के लिए डेल्टा एयरवेज के विमान ने उड़ान भरी थी, लेकिन फ्लाइट के टेक ऑफ करने के तुरंत बाद ही इंजन में खराबी आ गई, जिसकी वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करवाने के लिए प्लेन का वजन कम करना जरूरी था। लेकिन प्लेन में करीब 11 घंटे का फ्यूल था, जो करीब 1 लाख लीटर होता है, और अगर इतने फ्यूल के साथ प्लेन लैंड करता तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। अक्सर इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान विमानों की फ्यूल डंपिंग की जाती है और विमान का तेल कभी जमीन पर नहीं आता, वो हवा में ही उड़ जाता है। लेकिन उस दिन विमान की ज्यादा ऊंचाई न होने की वजह से फ्यूल जमीन तक आ गया, लेकिन प्लेन में बैठे सभी 144 यात्रियों की जान बच गई। दोस्तों, प्लेन के दोनों पायलट्स के लिए आपका एक लाइक तो बनता है।